Hello everyone, welcome to One Stop Study, any way of learning. देखिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की आज हम क्लास फोर्थ दे देखेंगे और इसमें हमने आपके लिए एक क्वेश्चन डिजाइन किया है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ में ही स्टैटिक जीके का जो आपका पार्ट रहेगा वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास फोर को। इससे पहले हमने तीन क्लासेस डिस्कस कर ली है, आज हम क्लास फोर देखेंगे और इसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया है कि विद रेफरेंस टू फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 के सम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं फ्रेंच ओपन 2022 के संदर्भ में। पहला दिया गया है कि इगो स्वास्तिक डिफीटेड कोको गॉफ टू विन हर टाइटल एट अ रेनॉल्ड गैरोस वर्ल्ड नंबर वन। इगो स्वास्तिक क्लेम्ड हर सेकेंड फ्रेंच ओपन टाइटल। पोलैंड की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी इगो स्वास्तिक ने वुमेन्स सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2022 के फाइनल मैच में अमेरिकी स्टार कोको गॉफ को हराया और इगो स्वास्तिक ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता। सेकंड ऑप्शन दिया है इट वाज आल्सो हर 35th विन टू द ट्रोट एंड अनबीटन दैट बिगिन बैक इन द फरवरी दिस ईयर। वीनस ने साल 2022 से लगातार 23 मैच जीते। ईगा ने 22 साल के बाद उनके रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए लगातार 35 मुकाबले जीते हैं। एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे राफेल नडाल बीट्स कैप्सा रूट इन स्ट्रेट सेट टू लिफ्ट हिज 22nd ग्रैंड स्लैम्स। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैप्सा रूट को हराकर नडाल ने अपने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम जीता। थर्ड आपका स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है राफेल नडाल स्ट्रीम रोल यंगस्टर कैप्सा रूट टू विन हिज 14th फ्रेंच ओपन टाइटल और नडाल ने जो जीता है वो 14वां यहाँ पे फ्रेंच ओपन का टाइटल है। ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन कौन से स्टेटमेंट सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके पांच ऑप्शन है, इनमें से हमको बताना है कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रेंच ओपन, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तो ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो आपके होते हैं वो आपके टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। चार टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं जो कि मेजर के नाम से जाने जाते हैं। पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, इसके बाद विंबलडन होता है और इसके बाद आपका यूएस ओपन होता है। ये चार तरह के टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं और ये अराउंड 2 वीक के लिए खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो आपका मिड जनवरी में खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन की हम बात करें तो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो लास्ट मई और जून में, यहाँ पे लास्ट मई और स्टार्टिंग जून में खेला जाता है। और वहीं हम विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो खेला जाता है लास्ट जून और स्टार्टिंग जुलाई में खेला जाता है। और यूएस जो ओपन होता है वो आपका अगस्त के लास्ट में यहाँ पे खेला जाता है, अगस्त के लास्ट में। तो ये यहाँ पे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि आपके जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है ग्रैंड स्लैम के बारे में। सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो आपका विंबलडन होता है जो कि आपका ग्रास पे खेला जाता है। और इसको ये स्टार्ट जो हुआ था वो 1877 में आपका विंबलडन स्टार्ट हुआ था। अब हम ये सेकेंड जो फ्रेंच ओपन खेला गया है अभी लास्ट मई और जून स्टार्टिंग जून में, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या, देखिए फ्रेंच ओपन की हम बात करें, फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो आपका किस पे खेला जाता है, क्ले पे खेला जाता है, रेड कलर की मिट्टी होती है उसके कोर्ट पर जो है यहाँ पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो आपका मई और जून में खेला गया उस 2022 के हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें जो जीता था वो वुमेन्स सिंगल्स की हम बात करें, वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जो जीता था वो इगा स्वास्तिक ने जीता था। इगा स्वास्तिक ने इसको जीता था और किसको हरा कर जीता था, इगा स्वास्तिक आपकी पोलैंड की हैं और इन्होंने जो हराया था वो आपकी अमेरिका की कोको गोफ को हराकर यहाँ पे देख जीता था। और इगा स्वास्तिक का ये जो फ्रेंच ओपन में था वो आपका सेकंड जो था वो आपका ग्रैंड स्लैम था, सेकंड यहाँ पे ग्रैंड स्लैम था। पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है कि पोलैंड की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वास्तिक ने वीमेन सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2022 के फाइनल मैच में अमेरिकी स्टार कोको गोफ को हराया और अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम देखा तो ये वाला जीता। तो ये वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड से यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जो आपका इगा स्वास्तिक ने जो जीता था, ईगा स्वास्थ्य की हम बात करें तो उन्होंने इस साल जो है यहाँ पे 35 मुकाबले यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट के जीते हैं। और उन्होंने जो है वीनस ने जो साल 2000 में लगातार 35 मैच जीते थे जो टेनिस टूर्नामेंट थे वो भी यहाँ पे 35 मैच जीती थी 2000 साल में, तो उनके रिकॉर्ड की यहाँ पे बराबरी कर ली है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। वहीं हम मेंस सिंगल्स की बात करें कि फ्रेंच ओपन 2022 का जो मेंस
सिंगल जीता है वो किसने जीता था, तो ये आपका राफेल नडाल ने जीता था और कैप्सर रूट को हराकर जीता था। राफेल नडाल जो है वो आपके स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने जो कैप्सर रूट को हराकर जो यहाँ पे अपने कैरियर का 22वां ग्रैंड स्लैम जीता था, और ये फ्रेंच ओपन जीतने वाले, फ्रेंच ओपन जो जीता था वो आपका 14वां इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है आपका, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपके विच ऑफ दी एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका होगा ऑल ऑफ दी एबव जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है। तो ये सारे पॉइंट हमको ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा भी हमने ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड एक स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर किया था, तो यदि आप वहां जाकर ये सारे ग्रैंड स्लैम के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन सा ओल्डेस्ट है, किस कोर्ट पे खेला जाता है, कुछ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और कब स्टार्ट हुए थे ये ग्रैंड स्लैम, तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से जो फ्रेंच ओपन 2022 की जो रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो फ्रेंच ओपन 2022 जो है वो आपका क्ले कोर्ट पे खेला गया था, और इसमें वुमेन सिंगल्स का जो खिताब जीता है वो आपका इगा स्वास्तिक ने किसको हरा कर जीता है, कोको गोप को, जो कि अमेरिका की प्लेयर थी, और इगा स्वास्तिक पोलैंड की थी। भाई फ्रेंच ओपन जो जीता है वो आपका राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर है, उन्होंने कैप्सर रूट को हराकर 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है, और 14वां जो है वो आपका फ्रेंच ओपन जीता है। ग्रैंड स्लैम से मतलब होता है कि जो चार मेजर्स होते हैं, जो चारों मेजर जीत लेता है एक ही ईयर में, उनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राफेल नडाल ने यहाँ पे जो जीता है वो आपका 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि सभी जो अब जितने भी स्टेटमेंट ऊपर दिए गए हैं वो सभी आपके सही हैं। तो ये ऑल अबाउट था इस करेंट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे के, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा भी हमने स्टैटिक जीके का कुछ कुछ पार्ट भी यहाँ पे डिस्कस किया। आगे आने वाली क्लास में हम क्लास 5 देखेंगे। क्लास 5 में एक नया क्वेश्चन हम डिजाइन करेंगे और उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में उसका स्टैटिक जीके का जो भी पार्ट होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द डे के क्लास 4 के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।